आगरा पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आगरा एकता पुलिस चौकी थाना ताजगंज के बीच में अरखरा में संदीप पुत्र अशोक कुमार कोरखा जियो टॉवर के पास अपने बाड़े में सुअर पालने का कार्य करते हैं। बाड़े से सुअरों की चोरी हो जाने की सूचना एकता पुलिस चौकी देने गए तो चौकी पर तहरी ना लेने के बाद प्रार्थी थाना ताजगंज आगरा को लिखित में तहरी देने पर करण वाल्मीकि पुत्र दिनेश वाल्मीकि को पकड़ने पर करण ने अपने 3 साथियों के नाम बताए, जिसमें हिमांशु वाल्मीकि पुत्र आनंद वाल्मीकि जो कि बीच के उखरा आगरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने माल और चोरों पर मुकदमा पंजीकृत कर आश्वासन दिया। जब प्रार्थी दूसरे दिन चौकी पहुंचा तो बिना मुकदमा पंजीकृत किया और बिना माल बरामद किया। दोनों चोरों को चौकी से छोड़ दिया गया है। चौकी पर पूछने पर कहा कि कल आ जाएंगे। 10 दिन से अभी तक पुलिस की कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। जी हिमांशु के पापा का क्या नाम है? हिमांशु था उनके साथ? हाँ। क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? वो उठा रहे थे बच्चा। अच्छा, जानवर उठा रहे थे ना? सुअर? हाँ, सुअर उठा रहे थे। कौन था? हिमांशु? हिमांशु था। हिमांशु के पापा का क्या नाम है? आनंद। आनंद? हाँ। अच्छा, हिमांशु को कोई भाई भाई है? कोई नहीं। हिमांशु को कोई भाई नहीं है? उसके खास भाई उसके? हिमांशु के बड़े भाइयों का नाम क्या दोनों का? सिवाय जो समाज से भी हट गए। ठीक है, और दूसरा कौन था? दूसरा वो था अनुराग। अनुराग, उनके पापा का क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार है। और तीसरा कौन था? वो आसिफ। उसके पापा का क्या नाम है? उसके पापा का नाम नहीं मालूम। उसका पापा किसके रह रहा है? वो बोलता अपनी मौसा संग रह रहा है। रामवीर। रामबीर नाम है। तो जिन्होंने चोरी की थी जानवरों की? हाँ, इन्होंने की थी। ठीक है, और तुझे भी ऐसे ही फंसा रखा एक तरीके से, भी ऐसे ही आ गया। साथ में? साथ में तो था ना? साथ में था मैं। तू तो बता रहा था कि 200 रुपए दे के लिए थे तुझसे। हाँ, 200 रुपए मुझे घर से बुलाया, आज से पैसे दूँ। मैंने कहाँ से, तेरे पे कहाँ से आ गए? ए तेरे दूँ मैंने, मैं काम पैसे आया हूँ मैं अभी। ए तू दू आया बैठ गाड़ी पे, मैंने कहाँ ले आया? हाँ, और पकड़ गया, भग गया, मुझे छोड़ गए। मैं भी मैं खड़ा रह गया अभी, फिर मैं कहाँ पे आऊँ? फिर मैं काली माता का मंदिर है, मैं चलते चलते मैं अपने घर आ गया। अच्छा, बस।